विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारे अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। नहीं नहीं, वो तो खैर 3 साल बाद थी ना, विराट कोहली की तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता हूं। हां यार, क्या मतलब, चार मैच, चार कैच छूटे हैं उसके, चार कैच छूटे हैं। सेंचुरी तो उनकी जैसी टीम थी, सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारते हैं। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी टी20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये कोहली नाम है क्लास का, तजुर्बे का और क्रिकेट के मैदान मर्द का। पाक भारत मैच में विराट कोहली ने औसान और जोश में तवाज़ुन। अमित राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस। जब क्रेडिट गोज टू विराट कोहली के, जिस तरह की आज उसने इनिंग्स खेली है, बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है सर, दैट इज अ हिस्टोरिक इनिंग। एंड भारत के क्रिकेट फैंस, क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी इसको हमेशा याद रखें। वक्त आया उसने हारिस रऊफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको उसने आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो के मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया। तो विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को, ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है, ये होता है, उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली? इंडिया को छोड़ के हम क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कर सकते हैं? बिकॉज हम डोमेस्टिक सेटअप लाते हैं ऑस्ट्रेलिया का, मगर जो हमारा पार है हर चीज का वो इंडिया है। इंडिया को हरा दिया, एशिया कप जीते, इंडिया को क्यों हराए हम? मतलब हम एक 8वीं नंबर टीम से अगर हार रहे हैं मगर हम इंडिया को हरा रहे हैं, तो वो क्या पार हो गया हमारा? नहीं 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 नहीं, पॉइंट कहने का ये नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि पहले तो पहली हर्डल पे रुक जाते थे ना। यस, आप समझे हैं या नहीं है? तो अब तो आप देखें, मैं यही कहता हूं कि आप फाइनल तक पहुंचे, ठीक है, ठीक नहीं खेले, कभी नहीं ठीक खेलते हैं, प्रॉब्लम है, फ्रीज, जैसे मैंने कहा कि फ्रीज हो जाते हैं, मगर बाकी एशिया में भी तो टीम्स थी ना। सो इंडिया को तो वहां पे चौराहे में खड़े करके सबको तो गालियां गलौज देनी चाहिए थी, फिर वो तो फाइनल तक भी नहीं पहुंचे। तो ऐसा नहीं करते हैं वहां के फैंस, और ऐसा नहीं करते हैं वहां के लिखने वाले, और ऐसा नहीं करते हैं सवेरा पाशा एंड कंपनी जैसे करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, वो हमसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत क्रिटिकल है। बट नहीं, वो क्रिटिकल नहीं है, वो देखे, मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं, विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की, वो सारे अपना एशिया कप भूल गए, उसी को पैकेज कर दिया उन्होंने। हम कभी ऐसा कर सकते हैं? हम कहते हैं जी बाबर आजम ने सेंचुरी कर दी, मगर ये स्ट्राइक रेट 131.5 था, जबकि डेविड वार्नर का 147.3 होता है, तो इस लिहाज से ये निकम्मा है। नहीं नहीं, वो तो खैर 3 साल बाद थी ना, विराट कोहली की तो वो 71वीं सेंचुरी 3 साल से अटकी हुई थी, इसलिए उसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, वरना तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं करता हूं। नहीं यार, क्या मतलब, चार मैच, चार कैच छूटे हैं उसके, चार कैच छूटे सर, सेंचुरी तो जैसी टीम थी, सेंचुरी फिर तो रमी इस तरह सेंचुरी होगी, तो यार ये चार कहने का ये है कि सेंचुरी जब पाकिस्तानी करते हैं तो वैसे छलांगे मारा करे ना। ये चार कैच छूटने को तो रमीज, फिर मैं कुदरत का निजाम कहूंगी, बिकॉज कुदरत का निजाम इज वेरी फेमस दीस डेज। सकलैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी गालबन, उसकी तरफ भी सवेरा इशारा कर रही है कि हर चीज कुदरत के निजाम पे लाके छोड़ देना। आपने भी सुनी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप हमारे खिलाड़ियों की और बाकी कोचिंग स्टाफ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, इट्स वेरी लिटिल टेक्निकल डिटेल्स दैट दे टॉक अबाउट, ये हो गया जी, ये हो गया, ऐसा था तो वैसा था। क्या ये वही सवाल ही पैदा होता है कि क्या ये टेक्निकल टॉक एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में भी हो रही है, या फिर ये हो रहा है कि यार कुदरत का निजाम है, देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं? ये दिस वॉज द पॉइंट। देखें, अगर अगर कुदरत का निजाम भी है तो 80% तो आप मैच जीत रहे हैं, चांसेस मिले, ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको गाड़ दिया मैच के अंदर। बात यह कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ही ऐसा मुझे लगता है कि वही मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि ना सिर्फ टीम में, इवन क्रिकेट बोर्ड में एक स्टबर्ननेस का एलिमेंट आ गया है। ये अगर कोई आप कुछ कहे इनको बेहतरी के लिए, ये समझते हैं कि पता नहीं हम क्या मतलब इनके पीछे पड़ेंगे, क्या मसला है भाई। आप अगर अच्छी बात करिए आप सुने उसको। अब देखें, रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वापस, जब इन्होंने ये कहा था, जब इनसे बात हो रही थी, इनसे कोई सवाल हुआ कोहली और बाबर का, तो इन्होंने कहा, जब वो सेंचुरी पे सवाल हुआ तो इन्होंने कहा यार वो कोहली की सेंचुरी में भी तो 3 उसको चांसेस मिले, ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको गाड़ दिया मैच के अंदर। बात यह कि आप थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दूसरा ये है कि अगर कोई सामने से आपको कोई चीज बोल रहा है तो कंसिडर करें उस चीज को कि हाँ हो सकता है ये बंदा सही बोल रहा हो। मैं समझता हूं कि बाबर रिजवान का जो गोल्डन पीरियड था ओपनिंग पार्टनरशिप का, उनकी जो पैर का, आई थिंक दैट टाइम हैज गॉन नाउ, बिकॉज टीम्स हैव वर्कड आउट,
टीमों ने अब वर्कआउट कर लिया दोनों टीमों को पता है इनकी कमजोरी है। देखिए आज रिजवान को जिस तरह आउट किया हरदीप सिंह ने, सेटअप किया उसने उसको पकड़ा था, मतलब उसने सीधी सीधी गेंद कराता रहा, बार बार एकदम से उससे शॉर्ट पिच में मारी, उसको पता था ये रिफ्लेक्स शॉट खेलेगा और उसने वही किया, उसने रिफ्लेक्स शॉट खेला, फील्डर ने खड़ा किया हुआ था पीछे कैच लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी थी उसका शायद गोल्डन पीरियड अब निकल चुका है। अब उसका तरीका यह है कि आप ओपोनेंट को सरप्राइज करने के लिए दूसरा मतलब पैटर्न इस्तेमाल करने की कोशिश करें, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। आज शान अच्छा खेला है, लेकिन मुझे शान से एक डिसअपॉइंटमेंट ये जरूर थी कि शान ने उस तरह से अपनी इनिंग्स को नहीं बिल्ड किया जैसे उसको करना चाहिए था, क्योंकि वो थोड़ा घबराया हुआ मुझे लग रहा था। इफ्तिकार प्लेड आउटस्टैंडिंग की वेल, इफ्तिकार ने तो बहुत अच्छा खेला है, उसने जो एक ओवर में उसको अक्षर पटेल को जो उसने रन मारे, तीन छक्के मारे, वहां से पाकिस्तान मैच में वापस आया है ना। उधर तक तो पाजन स्ट्रगल कर रहा था, 14 ओवर में तो पाजन 100 रन नहीं हो, बिल्कुल विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को। ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है, ये होता है, उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली, उसने दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। उसने भी शुरू में आज स्लो खेला है, उसके भी एक वक्त में 20 बॉलों पे 11 रन नहीं थे उसके, लेकिन एंड में जब वक्त आया उसने हारो स्लो जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था उसको उसने आखिरी दो बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो के मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों, वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से। ये नहीं है कि दोनों ने बात कर ली और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक नजर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वन बाय 4 विकेट्स, वी कुड हैव वन दैट, बट यस प्लीज सर राजू भाई ये क्या कर रहे हैं, शॉक में अभी तक यार, नहीं ओवर दिखा दो, नहीं ये तो देख लिया था, हमने देख लिया, ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मेन लास्ट ओवर कैसे रह गया छठा, देखें हमारे इश्यूज होते हैं, ये मैच हार गए वो अलग चीज़ है, जीता हुआ मैच हार गया ठीक है, विराट कोहली बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले और जब पूरी दुनिया रुक गई, बैटर्स दुनिया के रुक गए, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, सूर्या कुमार यादव नहीं कर पाया, फिंच नहीं कर पाया, वार्नर नहीं कर पाया, तो एक प्लेयर आया उसने करके दिखाया, वो विराट कोहली, उसने बताया कि सारा डाटा एक तरफ है और विराट कोहली एक तरफ है। आउटस्टैंडिंग इनिंग, कितना काम था वो आखिर तक, 50 रन चाहिए 18 बॉल पे और कितने मजे से वो सामने वाले को खिला के गेम को एक तरफ कर दिया, मतलब कि ऐसी इनिंग विराट कोहली की मैंने आज लाइफ में नहीं देखी, मैं वन ऑफ द बेस्ट नॉकेज की एग्जैक्टली। एंड यू नो अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान यू नो हिज एवरेज इज अबव 67, इवन आफ्टर टुडे आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट बेटर एज वेल। लेकिन मैं जरा दो चार चीजें पूछा, यू नो देयर आर 2-3 क्वेश्चंस व्हिच आई वुड लव टू आस्क, बट फर्स्ट अप ऑब्वियसली यू नो जो हमने बाबर की कप्तानी के हवाले से बात की उस पर बात बनती है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट प्लेस और फ्रॉम बाबर, but at times I think it's better to shed light onto what mistakes we have made recently so that we recover from that mistake in the next competitions we are going to have in Australia. So that for that I think Nawaz ka aakhri over kyun tha, mera khayal hai sabse bada sawal sabse pehle yahi hoga, aaye zara ek dafa over ke upar nazar dalte hain what happened crucial time pe jo hai na spinner ka over karna last over, sabse pehli baat to wo hai ki wo is nobat pe aane hi nahi chahiye thi baat, देन अगर हो गया तो एक्सक्यूशन यू नो आपको पता है मोशंस और जो है लास्ट में बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है, जिस तरह उसको पहले बॉल पे विकेट मिल गया था तो वहां पे ऐसा लगा कि आपके हाथ में गेम आ गया है, लेकिन क्रेडिट गोज टू कोहली कि जिस तरह वो काम था और उसने जिस तरह से वो आया कि वो फुल टॉस थी लेकिन उसने उसको क्लियर किया तो क्रेडिट गोज टू हिम। तो एंड देन स्मार्टनेस जो कोहली की थी, जब आप देखें कि जब फ्री हिट था तो वो बोल्ड हो गए, तो वो नॉर्मली बंदा क्या करता है ऐसी सिचुएशन में बोल्ड हो गया तो रुक जाता है, लेकिन दे रन थ्री, सो प्रेजेंस ऑफ माइंड की आप जो बात करते हैं वो आपको नजर आता है कि ये गेम अवेयरनेस है उसके अंदर। हमारा थर्ड मैन का फील्डर वो बॉल को देख रहा था कि बोल्ड हो गया है तो भागा नहीं, वो लेट भागा है, तो अगर दो रन होते तो कुछ भी हो सकता था। जी मैं इंडिया को मुबारकबाद दूंगा, एक बहुत ही शानदार गेम उन्होंने खेला, एक स्पेशल प्लेयर ने उनके लिए फिर से एक विक्ट्री ली जो कि पूरी दुनिया, आप सोचिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम, पूरी दुनिया देख रही है और फुल क्राउड है वहाँ पे, एक ऐसी सिचुएशन कंडीशन में वो फंसा और उसने फंस के मैच जितवा के अपनी टीम को वो कामयाबी दी जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो लास्ट उनको जख्म मिला था जो 2021 का जख्म था उन्होंने उसको भरने की कोशिश की, तो क्रेडिट गोज टू हिम एंड ऑल्सो टू द इंडियन टीम। विद द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे मुकद्दस गाय बना दी जाती हैं
कि उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती। ये जब तक हम इसे बाहर नहीं आएंगे, मुकद्दस गाय के मुतालिक बात नहीं करेंगे या इसको खत्म नहीं करेंगे, हम लोग इंप्रूव नहीं कर सकते। हमने इसी में एक मुकद्दस गाय बाबर आजम की कप्तानी बना के हमारे सामने आ गई है कि लगातार तीसरे बड़े मैच के अंदर उनकी कप्तानी के फ्लॉज नजर आ रहे हैं और हम ये कहते हैं बाद में कि जी 32 साल की उम्र में वो सीख जाएगा। नहीं भाई, सीखना नहीं है, आपने यहाँ जिम्मेदारी लेनी है। नहीं नहीं, अगर डिलीवर नहीं हुआ तो जिम्मेदारी लेनी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सीख रहा हूँ। लास्ट वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल हारे उसमें भी इशू जो है वो कप्तानी और यूजेज ऑफ द बॉलर्स जो थी वो गलत हुई। आज के मैच के अंदर जब सात से लेके 11 ओवर तक दे वर सर्चिंग फॉर इवन 4 रन इन ओवर, आपने वहां पे अपने ये वाले ओवर क्यों नहीं फिनिश करवाया? आप इतने बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम के अंदर अपनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि आप अपना वो बॉलर जो फंसा हुआ है उसको एंड में लेके आ रहे हैं और फिर जो उसका अपना रोल है लेफ्ट आर्म स्पिन, वो लेफ्ट आर्म स्पिन करके यार 3 छक्के खा ले, वो सडनली किसने उसको कह दिया कि सीम अप करके तो मीडियम पेसर बन जा? तो टू मी वी गिवन इट अवे वो मैच जो हम जीत सकते थे, एक बड़ा मैच जिसके लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, दुनिया इंतजार कर रही थी, हमारे हाथ में आया मैच, लेकिन अगेन एक गलत फैसला जहां से भी शुरू हुआ, जिसने भी इसको कंटिन्यू किया इफ्तिखार ने कर दिया। लेकिन इमेजिन अ गाय इज नॉट बीन गिवन अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, देन व्हाई यू गिवन अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टू दोज गाइज? They are not been able to perform at the highest stage. I think that's a valid point and you've identified the real cause as well. मैं राशि भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, इन्होंने मुकद्दस गाय के हवाले से बात की। Very hard. जी मैंने मुकद्दस गाय के तकलीफ है दिल से है, मेरे ख्याल से सभी पाकिस्तानियों को जहाँ जाए पाकिस्तानियों के। ये तो हम बहुत अरसे से बात हो रही है कि आपका जो बॉलिंग ऑलराउंडर है पेस वो मिसिंग है पाकिस्तान टीम में। मैंने और आपने खुद बात की, ये तो एक मैंने